नमस्कार दोस्तों, इस AR इन्फोवेकी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगो डिजाइनिंग करके आपके फोन से खुद से अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद लोगो मेकर 2020 करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। इसकी प्रीमियम वर्जन की डाउनलोड लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आपका ये जो एप्लीकेशन है इसकी फ्री एप्लीकेशन वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, लाइक आप म्यूजिक के लिए लोगो बनाना चाहते हो, कोई एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हो, एंड यहाँ पे बहुत सारे जो प्रीमियम कंटेंट है इस एप्लीकेशन में दिए हुए हैं, एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एंड लेवल तक कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कोई भी एक लोगो को चॉइस करूंगा एंड उसको एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप कलर बेस भी लोगो को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ मैं यहाँ पे कोई भी एक लोगो को सिलेक्ट करता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें से कोई भी एक जो कंटेंट चाहिए मुझे, जो भी डिजाइन मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर देते हो, आप यहाँ पे लेयर बेस भी एडिटिंग कर सकते हो, साथ ही साथ टेक्स्ट बेस भी एडिटिंग कर सकते हो। आप जिस कंपोनेंट को टच करोगे उसके रिलेटेड ऑप्शन आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके ऑप्शन, एंड जैसे ही मैं कोई पिक्चर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके ऑप्शन सिलेक्ट होके आ जाते हैं। अभी मैं कंपनी नेम के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ AMIT Academy। आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे चेंज होके आ चुकी है। मैं उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, एंड उसको अगर जूम इन जूम आउट करना हो तो भी कर सकता हूँ। नाउ आप जब भी उसके एडिटिंग मोड में जाते हो, टेक्स्ट एडिटिंग इनेबल हो जाता है। जब आप उसके कलर मोड में जाओगे, उसको कलर चेंजिंग मोड इनेबल हो जाएगा। आप RGB का कलर या हेक्साडेसिमल कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड 16 billion तक कलर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कलर चॉइस करना है और उसको कलर पिक करके वहां पे डालना है तो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसका आता है साइज का, जिसका यूज करके आप इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे स्टाइल के अंदर बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ ही साथ आप खुद से भी फॉन्ट कहीं से डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, उसमें से जो फॉन्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं मेरे लोगों के लिए, उस फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसकी स्टाइल को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं यहाँ पे जो भी स्टाइल देखने के लिए जाता हूँ, बहुत सारी स्टाइल अवेलेबल है, उसमें से कोई भी एक स्टाइल मैंने सिलेक्ट कर दी एंड उसकी साइज को मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखो इतना सेट हो चुका है। नाउ अभी मैं उसको ट्रांसपेरेंसी देना चाहता हूँ कि वो कितना दिखना चाहिए डार्केन मोड एंड कितना दिखना चाहिए व्हाइटन मोड से, तो मैं उसको ट्रांसपेरेंसी भी दे सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन अगर आप कंप्यूटर में करने के लिए जाओ ना, तो उसके लिए कोरल ड्रॉ और उतना बड़ा नॉलेज होना चाहिए उतने सॉफ्टवेयर का, बट यहाँ पे सब कुछ इतनी इजीली दिया हुआ है कि आप इसको इजीली सेट कर सकते हो। आप कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग सेट कर सकते हो, उसको रोटेट करना हो तो भी कर सकते हो। साथ ही साथ मूव ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप उसको बटन के थ्रू मूविंग करना चाहते हो पिक्सल बाय पिक्सल, तो भी आप उसको मूव कर सकते हो। जैसे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ ग्रिड लाइन आ जाती है और उसके थ्रू भी मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी इफेक्ट दी हुई है, अगर मैं मेरे फोन को कोई फंकी टाइप की इफेक्ट देना चाहता हूँ तो भी दे सकता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये AMIT Academy लिखा हुआ था, उसकी इफेक्ट कुछ अलग ही चेंज हो चुकी है। ठीक है, आप उसको अंडू रीडो ऑपरेशन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो, जिस तरीके से आप कंप्यूटर में करते हो। ग्रेडियंट यानी कि टू कलर इफेक्ट देना, अगर आपके टेक्स्ट को टू कलर इफेक्ट देना चाहते हो तो भी आप उसको दे सकते हो एंड उसकी डिजाइन को इंक्रीज और डिक्रीज सेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, बट मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, फिर अगेन मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मोर में जाता हूँ। 3D, अगर आप टेक्स्ट को 3D इफेक्ट देना चाहते हो एक्स एंड वाई एक्सिस बेस, तो भी आप उसको 3D इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो, अगर मैं उसकी जो स्टॉकिंग टाइप की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ लाइन में, डॉट में, डैशेड में, तो भी मैं कर सकता हूँ। अगेन टेक्सचर, आप उसके अंदर कोई टेक्सचर कलर फिल करना चाहते हो, जिस तरीके से आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लोगो डिजाइन करते टाइम करते हो,
सेम टू सेम आप यहाँ पे भी उसके अंदर टेक्सचर कलर दे सकते हो, ठीक है। टाइपोग्राफी अगर आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है स्क्रीन पे आप देख सकते हो तो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ कर्व टैक्स, जो टैक्स होता है हमने कई बार उसको रोटेट रखते हैं जो कर्व हुआ होता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसकी साइज कर्व कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। साथ ही साथ वो अप टू डाउन या किस तरीके से कर्व होना चाहिए वो सब भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना था और वो गलती से हो गया या रिमूव करना है तो यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन भी है, वन क्लिक टू अंडू रीडू हो जाएगा। इससे आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के थ्रू लोगो डिजाइनिंग में हेल्प हो जाएगी। जैसे ही मैं मोर पे जाता हूँ, बट पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 3D रोटेशन दिया हुआ था, ठीक है, तो मैं उसको नॉर्मली सिलेक्ट करता हूँ। अगेन जाता हूँ मोर ऑप्शन पे, मोर फॉन्ट, तो जो नीचे था वहां पे फॉन्ट पे तो है ही ऑलरेडी। साथ ही साथ मुझे इसका अगर शेडो देना है, शेडो इफेक्ट, तो भी मैं यहाँ पे शेडो इफेक्ट दे के इसका यूज कर सकता हूँ। नाउ अगेन मैं मोर में जाता हूँ एंड फ्लिप एक्स एंड फ्लिप वाई, मीन्स मुझे मेरे टेक्स्ट को रोटेट करना है एक्स एंड वाई पे या फिर इंटरचेंज करने तो भी कर सकता हूँ। नाउ हम अभी ग्राफिकल रिलेटेड चेंजेस देखते थे, ये है टेक्स्ट रिलेटेड, अब हम देखेंगे ग्राफिक रिलेटेड। आप उसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, साथ ही साथ लोगो के अंदर जितने कलर है सारे कलर को आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो जो फर्स्ट कलर था फिर सेकंड कलर था, मैं यहाँ पे सारे कलर की डिटेल इंटरचेंज कर रहा हूँ एंड खुद से एक कस्टम डिजाइन जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोगो, ये जो ग्राफिक आपको दिख रहा है वो पूरे का पूरा लेयर बेस्ड है। तो यहाँ पे एंड ऑफ लेयर आप एक्सेस कर सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने सब कुछ लेयर बाय लेयर चेंज किया और वो सारी इफेक्ट यहाँ पे सेट होके आ चुकी है, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने लेयर बाय लेयर भी एडिटिंग करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। नाउ इसकी ट्रांसपेरेंसी देना चाहूँ तो भी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। साथ ही साथ मूव ऑब्जेक्ट, रोटेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी अगर मुझे 3D करना है, फ्लिप मोड में करना है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और मुझे उसको लेयर बाय लेयर अनग्रुप करके एडिटिंग करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के लिए भी ये मुझे पूछ रहा है आपको PNG चाहिए या JPG, आप उसको फुल HD तक डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाउनलोड करके गैलरी में देख रहा हूँ 1000 पिक्सल का ये लोगो क्रिएट हो चुका है जो कि फुल HD है, ठीक है फ्रेंड। आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस AR InfoWay की चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पे, यहाँ पे मैं लगातार ऐसी बढ़िया वीडियो वाली ट्रिक्स लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।